जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तहसीलदार का क्या कार्य होता है, जिसको हम लोग कर्मचारी बोलते हैं, तो इनके बारे में ये कहाँ कार्यरत रहते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को आप सिर्फ पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्यों में विकास के लिए, एक राज्य में विकास के लिए राज्य के अंतर्गत राज्य को जिला स्तर पर विभाजित किया गया, सारे जिला को प्रखंड स्तर पर विभाजित किया गया और सारे प्रखंडों को ग्राम पंचायत स्तर पर विभाजित किया और सारे ग्राम पंचायतों को गाँवों में बाँटा गया, ताकि पूरे राज्य भर में अच्छे तरीके से विकास हो सके। तो जो तहसीलदार रहते हैं वह प्रखंड में कार्यरत रहते हैं, जहां प्रखंड में प्रखंड कार्यालय होता है, तो प्रखंड कार्यालय को हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, तो उसमें यह कार्यरत रहते हैं। तो इनका मुख्य रूप से जो कार्य रहता है यह रहता है भू राजस्व संबंधित कार्य। तो भू राजस्व संबंधित कार्य के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी भू रिकॉर्ड आते हैं, भू सुधार आते हैं, जैसे कि किसी का ज़मीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, किसी का ज़मीन ऑनलाइन चढ़वाना है, म्यूटेशन करवाना है, या तो आय जाति आवासीय ये सब जो बनता है, तो ये सब सारा जो पहले जहां पास होता है, तो ये सब सबसे पहले कर्मचारी के लॉगिन से ही पास होता है। आपको किसी भी प्रकार का ज़मीन से रिलेटेड कार्य करवाना है तो प्रखंड कार्यालय जब आप जाते हैं तो सबसे पहले कर्मचारी ही उसकी जाँच करते हैं और उसके बाद अपने से ऊपर ऑफिसर के पास पेपर भेजते हैं। विभागीय प्रबंधन का कार्य, यानी कि अपनी ऑफिस में जो इनसे ऊपर ऑफिसर रहते हैं वो रहते हैं CI, उनसे ऊपर रहते हैं CO, तो CI और CO के अंतर्गत जो भी प्रबंधन के कार्य है, जैसे कि लेखा जोखा है, फाइल जांच करना है, तो किसी प्रकार का मामला आया तो भू रिकॉर्ड्स देखना है, तो जो CO और CI बोलेंगे तो उनको कर्तव्यों का पालन करेंगे, कौन करेंगे, कर्मचारी करेंगे, जिसको हम लोग तहसीलदार भी बोलते हैं। फिर इनका कार्य रहता है दरबार समारोह का, जैसे कि किसी भी प्रकार का प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत जो है सो किसी भी प्रकार का आयोजन किया जाता है, जैसे कि कैंप लगाया जाता है, या तो ग्राम पंचायतों में सरकार तरफ से किसी भी प्रकार की योजना आती है तो कैंप लगता है, तो कैंप में जितने भी सारे ऑफिसर रहते हैं प्रखंड कार्यालय के, तो वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं और वहाँ पे तहसीलदार कर्मचारी भी अपना योगदान देते हैं, अपना कर्तव्य को निभाते हैं, पेपर को आसान बनाने का कार्य करते हैं और कार्यों का निपटान करते हैं। फिर इनका अगला कार्य रहता है आपातकालीन स्थितियों में प्रशासनिक के नेतृत्व में ड्यूटी देना, यानी कि प्रखंड कार्यालय के अंदर जो भी प्रशासनिक सेवाएँ होती हैं, तो यदि वो ऑफिसर वहाँ मौजूद नहीं है तो वो कुछ कार्य जो कर्मचारी से हो सकता है, जो तहसीलदार से हो सकता है, तो वो इनको सौंप कर जाते हैं और ये ड्यूटी को निभा सकते हैं। फिर इनका रहता है कार्य नागरिक सेवाएं, तो नागरिक सेवाएं के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकासों के लिए इनका कार्य रहता है, तो स्पेशल रूप से ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्य इनका अधिकतर रहता है, 99% भू राजस्व से जुड़ा हुआ जाँच पड़ताल लेखा जोखा यही सब कार्य सबसे ज़्यादा इनका रहता है। फिर इनका अगला कार्य रहता है चुनाव प्रबंधन, तो जब भी इलेक्शन के समय आता है तो उस टाइम जहाँ जहाँ भी मतदान होना रहता है तो वहाँ भी वहाँ निगरानी रखना और वहाँ भी देख रेख करने का भी कार्य इनको मिलता है, तो इस प्रकार से इतने सारे कार्य इनको मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर से जरूर समझ में आई होगी। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को आप लोगों के लिए हमें हमेशा लाने का प्रयास करते हैं, तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।